अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अब तब्दील किया जा रहा है और क्या नजम सेठी की जगह अब जका अशरफ की पीसीबी में एंट्री होने जा रही है और फिर जो पीसीबी और बीसीसीआई का इस वक्त तगड़ा फड्डा क्रिएट हो चुका है वो खत्म हो जाएगा या जो नया चेयरमैन आएगा उसको कंटिन्यू करेगा, यही आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, क्या पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी को हटाया जा रहा है? तो फिलहाल इसके बारे में जो तफसीलात मिल रही हैं कि 10 जून को बड़ा फैसला एक्सपेक्टेड है। अगर वोटिंग होती है और अगर उसमें नजम सेठी कामयाब नहीं हो पाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वो फिलहाल मुंतखब नहीं है, वो चेयरमैन कमेटी जरूर है, लेकिन अगर वो हार जाते हैं इलेक्शन, जिस तरह की इत्तलात मिल रही है, अगर इलेक्शन होते हैं, अगर नजम सेठी अपनी पोजीशन के ऊपर नहीं कायम हो पाते हैं, तो फिर अगर जका अशरफ आ जाते हैं तो वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन डिक्लेयर हो जाएंगे। तो 10 जून की डेट सोर्सेज इस वक्त कंफर्म कर रहे हैं कि ये अहम डेट होने वाली है। इसको जो वोट एक्सपेक्ट, अगर ये मतलब फैसला हो जाता है, अगर सेठी जीत गए तो फिर तो वही जाहिर सी बात है कंटिन्यू करेंगे। अगर जका अशरफ आ जाते हैं तो क्या वो जो उनका मुकदमा है नजम सेठी का उसको लड़ेंगे बीसीसीआई के सामने जिस वक्त है? और जाहिर सी बात है फिर मुझे लगता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद एसीसी की जो मीटिंग है दुबई के अंदर, वो सेठी अटेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फड्डा क्रिएट सेठी ने किया है, मुद्दा उनका है, बीसीसीआई से इस वक्त वो लड़ रहे हैं। अगर सेठी ऊपर नीचे हो जाता, अगर चले जाते हैं, तो फिर क्या जका अशरफ आता है या कोई भी और नया चेयरमैन आता है तो वो क्या पाकिस्तान का केस लड़ेगा या हथियार डाल देगा या मान लेगा या डट जाएगा? ये है जनाब सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा। अगर नया चेयरमैन आता भी है तो वो क्या हथियार डाल देगा या पाकिस्तान के लिए वो अपने फैसले के ऊपर डटा रहेगा, कायम रहेगा? ये सबसे बड़ा फैसला अगर नया चेयरमैन आ भी जाता है ना, उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो अपना कोई नया फैसला रखे। रमीज राजा इस फैसले के ऊपर डटे हुए थे, इसके अलावा नजम सेठी ने इस फैसले को आगे कंटिन्यू किया और पाकिस्तानी फैंस भी यही चाहते हैं कि मौकफ हो तो तगड़ा हो, हक का मौकफ है तो उसके ऊपर फिर डट जाए। लेकिन लेट्स ही देखते हैं, नया चेयरमैन आता है, अगर नया चेयरमैन आता है तो फिर जो पीसीबी का तगड़ा स्टैंड था उसके ऊपर कायम रह पाता है या नहीं, ये देखने वाली चीज होगी। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज।